मैं सलीम और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने यूपी गैंग स्टार एक्ट में फरार चल रहे थे नियमित युवा वंचित अभियुक्तगण किया खुलासा। पूरा मामला जनपद के चकिया थाना अंतर्गत का है, जहां पर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल व अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल अनिल कुमार के आदेश अनुसार अपराधियों पर नियंत्रण व टॉप 10 वंचित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाया जा रहा अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक चकिया रहमतुल्ला खां ने यूपी गैंग स्टार एक्ट ने नियमित युवा वंचित अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार। सभी अपराधियों के चकिया थाना अंतर्गत बेलवार गांव के हैं, जो मिलकर गौ तस्करी का कार्य करते थे। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि सभी लोग बेलवार स्थित नदी के बंदी पर मछली पकड़ रहे थे, तभी मुखबिर की आधार पर चकिया थाना प्रभारी रहमतुल्ला खान ने माई फोर्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सभी गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेजकर पुलिस अग्रवी कार्यवाही की में जुट गई। बाइट अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल अनिल कुमार, सुजीत कुमार, चंदौली। बास्केट अपराधियों की अभियान चल रहा था गिरफ्तारी का, उस अभियान के तहत ये नौ गैंगस्टर एक्ट के मुल्ले में रात में जो थाना प्रभारी चकिया इंस्पेक्टर चकिया के निर्देशन में इनकी टीम द्वारा गिरफ्तार किया। क्या अपराध था सर इनका? ये सब गैंगस्टर के अभियुक्त। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ये बंदी से। क्या कार्रवाई हो रही? अग्रिम वही कार्रवाई जो वैधानिक कार्रवाई वो होगी, जेल जाएंगे। ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं तो क्या लगता है कि नहीं बड़ी कार्रवाई है? नहीं, ये सब गौ तस्करी के अभियुक्त हैं, उसी अनुसार इनके खिलाफ।